वो अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठेंगे। वक्ताओं के नाम मैं यहाँ से एक बार बोलता हूँ। उपाध्याय कनिष्ठ से अखिल जैन, संभव जैन और प्रासुक झांसी। उपाध्याय वरिष्ठ से भूपेंद्र जैन, हरीश जैन और सहज जैन। शास्त्री प्रथम वर्ष से लक्षित जैन और शास्त्री द्वितीय वर्ष से शशांक जैन। शास्त्री अंतिम वर्ष से अनुभव जैन गौरझामर, कीर्ति कुमार मखदुम, आकाश जैन और आज के तात्कालिक वक्ता के रूप में भाई आकाश अमायन शास्त्री द्वितीय वर्ष। ये सभी भक्तगण कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान पर अपने स्थान पर बैठ जाएं। जैसा कि आप सभी के लिए विदित है, पूर्व गोष्ठियों की तरह इस गोष्ठी में भी आप सभी के लिए मुख्य बिंदु लिखना है। मुख्य बिंदु किसी एक ही वक्ता की ना लिख करके आपको सभी वक्ताओं के लिखना है। आप में से किसी विद्यार्थी को यहाँ पर मुख्य बिंदु बताने के लिए बुलाया जा सकता है। गोष्ठी की समय सीमा एक वक्ता के लिए 5 मिनट निर्धारित की गई है। शुरुआती 4 मिनट में आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है और अंतिम 1 मिनट में आपको अपना विषय समेटना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय, किसी वक्ता की समय सीमा का उल्लंघन होने पर आप उनके अंक काटने में समर्थ हैं। अब और अधिक औपचारिकता ना निभाते हुए गोष्ठी की ओर बढ़ते हैं। गोष्ठी की मंगलमय शुरुआत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से भाई शुभम जैन दिल्ली। वो यहाँ आए और मंगलमय मंगलाचरण करके इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। ओम नमः श्री दिव्या। मंगलाचरण के सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सवसाहुनम, न ताम्र शिरो रत्न प्रमा प्रोतन खत्विषे, नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे, न्याय विद्यमतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने, प्रमाणादर्थ संसिंधि सदा भाषा द्विपर्यः, इति वक्ष्यतयो लक्ष्यम सिद्धमल्पम लघीयस। जय जिन। धन्यवाद भाई शुभम का। और अब यहाँ से गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से अखिल जैन, जिनका विषय है न्याय लक्षण व इतिहास। और आगे तैयार रहें संभव जैन, जिनका विषय है त्रिविध रूप प्रकरण प्रवृत्ति। बंदित्व सर्वसिद्धे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक एवं सभा में उपस्थित सभी सादरमी भाई बहनों को मेरा सादर जय जैन। प्रवर्तमान गोष्ठी जैन न्यायिक परिशीलन में मेरा प्रतिवाद केंद्र बिंदु है न्याय का लक्षण एवं इतिहास। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से जानने के लिए उसके इतिहास के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हम सर्वप्रथम न्याय के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय दर्शन के इतिहास में जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूदवली द्वारा रचित षटखंडागम महाग्रंथ में कई जगह न्याय के बीज बोए गए हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तद्वारसूत नामक ग्रंथ जैन दर्शन का एवं संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार आचार्य माणिक नंदी द्वारा रचित परीक्षामुख नामक ग्रंथ जैन दर्शन का जैन न्याय का सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ है। आचार्य समद्व्रत के द्वारा जैन न्याय का वास्तविक प्रारंभ हुआ। इसके तत्पश्चात आचार्य अकलंक देव ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद कर जैन न्याय की वास्तविक रूपरेखा का प्रारंभ किया। वास्तव में तो आचार्य अकलंक देव ही जैन न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इसके अलावा आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित 5 परमागम में भी न्याय का उल्लेख मिलता है। जैन न्याय सूत्र ग्रंथ जैन परंपरा में नहीं बन पा रहा था, इसलिए आचार्य माणिक्य नंदी ने जैन न्याय रूपी सागर को परीक्षा रूपी गागर में भरने का एक अनोखा प्रयास किया है और इस प्रयास में पूर्ण सफलता प्राप्त कर जैन न्याय के गौरव को बढ़ाया है। विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षामुख ग्रंथ कोई पूर्ण नहीं किया, अपितु भविष्य में न्याय शास्त्र के लिए एक आदर्श भी उपस्थित किया है।
वास्तव में न्याय शास्त्रों की भाषा गूढ़ एवं गंभीर होती है, परंतु आचार्य माणिक नंदी ने अपने ग्रंथ में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि आचार्य का उद्देश्य था कि जो मंदबुद्धि वाले जीव हैं वह भी न्याय का ज्ञान कर सकें और अपनी आत्मा का हित करें। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस न्याय के इतिहास के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियाँ ली, आखिर वह न्याय क्या है? तो हम सर्व जानेंगे कि न्याय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो जो न्याय शब्द है उसमें नी उपसर्ग पूर्वक है, ऐव धातु का दय धातु है और घ्रज प्रत्यय से बना हुआ है। जिसके द्वारा वस्तु का सम्यक ज्ञान हो वह न्याय है। वस्तु का सम्यक ज्ञान तो प्रमाण और न्याय के द्वारा होता है, इसलिए कहा है प्रमाण न्याय आत्मा को न्याय, अर्थात प्रमाण और न्याय के द्वारा ही वस्तु का सम्यक ज्ञान होता है। इसी संदर्भ में आचार्य उमा स्वामी अपने तद्वारसूत नामक ग्रंथ में लिखते हैं प्रमाण ने रदिगमा, अर्थात प्रमाण और न्याय के द्वारा ही वस्तु का अधिगम होता है, परंतु जो न्याय और प्रमाण है उसका स्वरूप न्याय है। तो यहाँ पर यह सिद्ध किया है कि न्याय के द्वारा ही वस्तु का अधिगम होता है। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि दुख का मूल कारण अज्ञान और मिथ्यात्व है, और दुख निवृत्ति का मूल कारण ज्ञान और सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान न्याय के बिना संभव नहीं है, अर्थात दुख निवृत्ति के लिए न्याय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि न्याय तो वाद विवाद के लिए है, स्वमत मंडन एवं परमत खंडन के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है। वाद विवाद का वास्तविक उद्देश्य तो सम्यक ज्ञान कर आत्मित करना है। वाद विवाद तो मोहराग देश का कारण है, परंतु न्याय मोहराग देश से निवृत्ति का कारण है। इसलिए आचार्य अनंत वीर कहते हैं कि न्याय विद्या अमृतम तस्मे नमो माणिक नंदी ने, अर्थात आचार्य माणिक नंदी ने वाद विवाद को विष कहकर और न्याय को अमृत कहकर संबोधित किया है। और धर्मदास शुल्लक जी ने भी कहा है सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि न्याय शास्त्र बहुत कठिन है, हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, परंतु ऐसा नहीं है। यद्यपि ये बात सच है कि न्याय शास्त्र गुण और गंभीर होते हैं, परंतु उसका ये अर्थ नहीं है कि बहुत कठिन है। अगर थोड़ी सी रुचि एवं एकाग्रता के साथ उसका ज्ञान किया जाए तो वह कठिन नहीं है। वास्तव न्याय ग्रंथों का गुण एवं गंभीर होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें दुनिया के रंगराव नहीं होते हैं, उसमें तो वस्तु स्वरूप का परीक्षण होता है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते। अपनी योग्यता के अनुसार समय समय पर क्रमशः उसका अध्ययन कर न्याय का ज्ञान कर मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अखिल जैन के लिए। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा इनके विषय में जो भी त्रुटि रही हो, और आप अपने विचार हम सभी के सामने रखें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और अब आपको भाई कह देता हूँ, मैं छात्र कहना तो क्योंकि मैं मेरे बारे में आप जानते होंगे। हाँ, मैं तो यहाँ पर सब प्रथम ब्याच का छात्र हूँ और मेरा विषय ही न्याय है, मतलब इसमें न्याय में बहुत इंटरेस्ट है। तो अब जैसे अच्छा रहा इनका जितना, मतलब ये न्याय जो है ना है तो क्लिष्ट विषय है। ये क्लिष्ट विषय न्याय दो प्रकार का है, एक तो परीक्षा प्रदानी जो होता है, हम सब परीक्षा प्रदानी है, और जो जिनको आत्मकल्याण करना है उनको परीक्षा प्रदान पूर्वक आत्मकल्याण करना पड़ता है। इसलिए इस दृष्टि से तो न्याय पूर्वक ही हम वस्तु के निर्णय करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ अन्य मतों का जो बात होती है ना, जैसे आपके लिए बता रहा हूँ, ये सामान्य जिसको आत्मकल्याण करना उनको तो डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग जो विद्वान बनने वाले हो, जब तक न्याय को नहीं समझोगे तब तक जैन दर्शन का जो ज्ञान है ना वो स्पष्ट नहीं होगा। हम जैन नहीं हैं, चाहे वैशेषिक हो, चाहे वेदांती हो, चाहे अद्वैत हो, चाहे मीमांसक हो, सबको भी ही सभी दर्शनों का अच्छी तरह अध्ययन हो तो ही समझ सकते, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। चाहे हम कितने भी कोशिश करें, और ये धीरे धीरे से समझ में आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जरूर इसमें न्याय में है क्लिष्ट, लेकिन अभी से आपका जरा इसमें लगन होगा
तो आप जरूर कर लोगे। अच्छा, इनका ठीक था, अच्छा था, लेकिन ये ठीक है सारी बातें, क्योंकि हम आप लोग जो बोलेंगे अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, हम अध्यात्म को ट्रांसेंड करके, मतलब अध्यात्म को पक्षात क्रांत करके न्याय के बारे में हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम चाहे तो भी नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो हम अध्यात्म, जैसे इन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान, हम सम्यक ज्ञान से जोड़ते हैं, ज़्यादा से क्या होता है कि हम जब भी, मैं पहली बोल रहा हूँ इसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बोलूँगा इतना क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसमें क्या होता है कि हम लोग अध्यात्म है ना, जब भी परीक्षा मुख में जो भी प्रवचन होता था उसमें अपना दादाजी भी हमको पढ़ाया है, दादाजी ने पढ़ाया है, तो वो परीक्षा मुख में समय सार की ज़्यादा चर्चा करते थे, इसलिए सहज है। फिर भी विद्वानों को तो न्याय पढ़ना ही चाहिए, और ये न्याय तब पढ़ोगे आपका एक उद्देश्य बनाओगे जीवन का, न्याय पढ़ना है तब पढ़ाओगे। ठीक है, इनका अच्छा था कमेंट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय के लिए। अब अग्रमंत वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से ही भाई संभव जैन, जिनका विषय है त्रिभेद रूप प्रकरण पद प्रवृत्ति, और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें प्रासुक झांसी, जिनका विषय है प्रमाण का निर्दोष और लक्षण। अभी आए भाई संभव जैन। वंदे तो सब सिद्धे, मंचासीन सामान्य अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और सभी भाइयों बहनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है जैन न्याय एक परिशीलन। इसमें मेरा प्रतिपाद बिंदु है त्रिविध रूप प्रकरण की प्रवृत्तियाँ। तो आइए जाने ये तीनों हैं क्या। अभिनव धर्मभूषण यति द्वारा विरचित न्याय दीपिका के इस सूत्र से तो हम परिचित ही हैं, ही प्रमाणम न्याय विवेचन मुर्देश लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण कीड़ियते। समान रूप से देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, पहला उद्देश्य, लक्षण कथन और परीक्षा। ये तीनों किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले आवश्यक होते हैं। तो आइए जानते हैं, पहला उद्देश्य, विवेचनीय वस्तु के केवल नाम उल्लेख को उद्देश्य कहते हैं, जैसे प्रमाण नेयर अधिगमः। इस सूत्र में न्याय और प्रमाण का व्याख्यान इन तीनों से ही किया गया है, उद्देश्य को प्रमुख रखते हुए किया गया है। तो अगला देखते हैं, वो है लक्षण। लक्षण क्या है? मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाला हेतु या चिन्ह को लक्षण कहते हैं। जैसा कि श्री अकलंग देव ने अपने राजवर्तिक में भी कहा है कि परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाए उसको लक्षण कहते हैं। जैसा उदाहरण देखें तो जैसे कि मिठास चीनी का लक्षण है, और मिठास चीनी का लक्षण है। तो अब लक्षण में, लक्षण के दो भेद होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। लक्षण में सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, ऐसे दो भेद भी माने जाते हैं। तो पहले आत्मभूत लक्षण, जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। उदाहरण देखें तो अग्नि की ऊंचता, अग्नि गर्म होती है तो ऊंचता अग्नि का स्वभाव है और जलादि पदार्थों से अग्नि को भिन्न करती है, तो ऊंचता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। दूसरा अनात्मभूत लक्षण, जो वस्तु के स्वभाव में ना मिले, उससे पृथक हो, उससे भिन्न हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंडी पुरुष का दंड, जैसे कहें कि दंडी को लाओ, ऐसा कहने पर हमने उस पुरुष को अन्य पुरुषों से भिन्न कर दिया, तो ये क्या हुआ? अनात्मभूत लक्षण। फिर जो लक्षण ना हो उसे लक्षणाभास कहते हैं। इसमें तीन दोष होते हैं। सबसे पहला होता है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष क्या होता है? लक्षण के एक देश में ही पाए जाने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे सफ़ेद रंग गाय का, उसका लक्षण बनाना ये अव्याप्ति दोष है, क्योंकि सभी गायें सफ़ेद रंग की नहीं होती हैं। दूसरा अतिव्याप्ति दोष, लक्ष्य और लक्ष्य के बाहर अलक्ष्य में भी पाए जाने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय को पशुवत कहना,
ये क्या हुआ, अतिव्याप्ति दोष, क्योंकि गाय के अन्य जितने भी जानवर हैं वो भी पशुवत में ही आते हैं। तीसरा और अंतिम दोष, असंभव दोष, ये क्या होता है, लक्ष्य में सर्वथा ना पाए जाने को असंभव दोष कहते हैं। जैसे सींग को मनुष्य का लक्षण कहना, ये क्या हुआ है, असंभव दोष, क्योंकि मनुष्य के तो सर्वथा कभी सींग हो ही नहीं सकते। तो अभी हमने समझा कि लक्षण क्या होता है, अब बात आती है परीक्षा। तो अभिनव धर्मभूषण यति न्याय दीपिका में कहते हैं कि विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने वाले प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। जैसे ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रवर्तते हैं। तो हमारे महान पंडित टोडरमल जी भी महान ग्रंथ मोक्ष मठ प्रकाशक में कहते हैं कि नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होता है, जैसा उपदेश दिया वैसा जान लिया। पर यहाँ पर बात आती है परीक्षा की। परीक्षा तो जो एकांत में अपने उपयोग में विचार है कि जो उपदेश दिया था वह सही है या नहीं, ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, इसमें निर्बल युक्ति कौन सी है, इसमें प्रबल युक्ति कौन सी है। तो जो सही भाषित हो उसे ही सत्य जाने। तो इसके अंदर जो हमें उपदेश दिया गया है उसमें अगर संदेह हो तो किसी विशेषज्ञ के पास जाना, उससे प्रश्न करना कि जो उपदेश है वो सही है या नहीं। जब तक उत्तर ना मिले उससे प्रश्न उत्तर निरंतर करते रहना, जब उत्तर मिल जाए तो उसमें संतुष्टि करना और उसमें विचारना। अभी हमने उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के बारे में समझा। तो अंतिम में एक बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि परीक्षा रहित व्यक्ति असत्य को भी सत्य और असत्य को भी सत्य मानता है। अतः हम सब परीक्षा करें और मोक्ष को प्राप्त होएं। इसी के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई संभव जैन को, जिन्होंने हमें त्रिविध रूप प्रकरण प्रवृत्ति इस विषय से अवगत कराया। और अब आगे अध्यक्ष महोदय। घंटे बजते हैं ना, आप इसे वाइंड अप कर लो, मतलब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद भाई अध्यक्ष महोदय के लिए। और अब आ रहे हैं उपाध्याय कनिष्ठ से ही प्रासुक झांसी, जिनका विषय है प्रमाण का निर्दोष लक्षण। और अब आगे तैयार रहें उपाध्याय वरिष्ठ से भूपेंद्र जैन, जिनका विषय है परमत सम्मत प्रमाण लक्षण की समीक्षा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, समस्त साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है प्रमाण का निर्दोष लक्षण। आज हम सभी इस गोष्ठी में जैन न्याय के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। जैन न्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है प्रमाण। वह प्रमाण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझाने वाला है। आज हम उसी प्रमाण के विषय में जानेंगे। प्रमाण के लक्षण में दो सर्वाधिक लक्षण प्रचलित हैं। इनमें प्रथम है आचार्य मार्ग नंदी जी के परीक्षामुख ग्रंथ अनुसार स्वपूर्वार्थ व्यवसायकमत ज्ञानम प्रमाणम एवं श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति जी की न्याय दीपिका अनुसार सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। परीक्षामुख के आधार पर हम प्रमाण को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रमाण के लक्षण में पांच पद दिए जाते हैं, स्व, पूर्व, अर्थ, निश्चयात्मक एवं ज्ञान। इसको हम पीछे से समझ सकते हैं कि ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और वह ज्ञान स्वयं का ऐसा पदार्थ जिसे हमने पूर्व में न जाना हो और उसका निश्चय कराने वाला है। प्रमाण का यह लक्षण परमतों के खंडनों की मुक्तता से कहा गया है। इस प्रत्येक पद से किसी न किसी मत का खंडन अवश्य ही किया गया है। स्वयं पद से ज्ञान का सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसकों को का अपूर्व से धारावाहिक ज्ञान का अर्थ से विज्ञान, अद्वैत बातचीत, अद्वैत वाक्त, व्यवसायिकमत पद से बौद्धों के निर्विकल्प वाद का एवं ज्ञान से नयानिकों के सन्निकर्ष एवं वैशिष्टों के कारण रक्त कल्य बाद का खंडन होता है।
तत्पश्चात न्याय दीपिका के अनुसार सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। यह प्रमाण को लक्ष्य है और सच्चे ज्ञानपना इसका लक्षण है, क्योंकि वह ही प्रमाण को अन्य भिन्न पदार्थों से पृथक करता है, जैसे गाय का शासनान आदि और अग्नि का उष्णता है। प्रमाण के लक्षण में सम्यक पद का निवेश संशय विपर्य और अनध्यवसान के निराकरण के लिए किया जाता है। ये संशय आदि अप्रमाण है, मिथ्या ज्ञान है। अब हम इन्हें समझते हैं। संशय परस्पर दो विरुद्ध कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं, जैसे यह स्थाणु है या पुरुष। विपर्य किसी एक विपरीत कोटि का निश्चयात्मक ज्ञान को विपरीत ज्ञान कहते हैं, जैसे स्थाणु को पुरुष जानना। अनध्यवसाय कुछ है इस प्रकार के निश्चय रहित ज्ञान की अनध्यवसाय को अनध्यवसाय कहते हैं, जैसे प्रमाण इन तीनों से रहित सच्चा ज्ञान होता है तथा यह सम्यक पद का योग है। तथा ज्ञान पद से प्रमाणता प्रमिति और चार शब्द से प्रमेय की व्यवृत्ति होती है। इस प्रकार से प्रमाण का लक्षण बताया गया है तथा यही सभी प्रकार के दोषों से रहित है। प्रमाण का निर्दोष लक्षण है। अब आप कहेंगे कि लक्षण को एक मुख्य होता है और प्रमाण के यहाँ दो लक्षण दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो नहीं एक ही लक्षण है, अर्थात दोनों लक्षण में समानता है। किस प्रकार यह समझते हैं? जहाँ परीक्षा मुख के अनुसार स्वयं और अपूर्व अर्थ का निश्चय कराने वाला ज्ञान ही प्रमाण है, और न्याय दीपिका के अनुसार सम्यक ज्ञान, दोनों में ज्ञान पद को समान है, किंतु ज्ञान की विशेषताएं भी एक ही हैं। चूँकि निश्चय कराने वाले और स्व तथा पूर्व अर्थ का निश्चय कराने वाले दोनों ही ज्ञान निश्चयात्मक हैं, अतः इन दोनों लक्षण में समानता है। इस प्रकार हम प्रमाण से वस्तु के यथा स्वरूप को जानकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक तो प्रमाण का दो अर्थ है, आप तो जानते हो, एक नई प्रमाण, एक प्रमाण जब सच्चापना, जहाँ सच्चापना विवक्षित है। और प्रमाण और ज्ञान में जब तक आप अंतर नहीं जानते हो तब तक न्याय ज्ञान में प्रवेश भी नहीं हुआ, ऐसा समझ लो आप। हम लोग ज्ञान और प्रमाण में अंतर नहीं समझते हैं, मतलब क्लियर कट डिफरेंस है न्याय और प्रमाण में। तो प्रमाण क्या है और न्याय क्या है, ये जब तक अंतर, ज्ञान क्या है प्रमाण क्या है, जब तक इसका अंतर नहीं समझेंगे, और ये अंतर बहुत डिफिकल्ट है, और ये अंतर कोई चर्चा से या किसी से पूछने से अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ये तो मनन करने से और धीरे धीरे से होगा। ऐसा भी नहीं कि मैं आज शाम तक इसका किसी से पूछ करके कोई निष्कर्ष निकालूँ, ज्ञान और प्रमाण का अंतर बहुत सूक्ष्म अंतर है। और दूसरी बात क्या है कि शास्त्रों में इनका दोनों का इंटरचेंजेबली, मतलब प्रमाण के जगह ज्ञान का, ज्ञान के जगह प्रमाण का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ज्ञेय और प्रमेय में अंतर है, ज्ञेय और प्रमेय में अंतर है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। असल में शास्त्रों में ज्ञेय और प्रमेय में ज्ञेय की जगह प्रमेय, प्रमेय की जगह ज्ञेय का हम प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करने की बात नहीं, वो तो प्रयोग भले कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञेय और प्रमेय में बहुत अंतर होता है, ऐसे ज्ञान और प्रमाण में अंतर होता है। तो अंतर ये समझना जरूरी है, इसलिए आप लोग न्याय दीपिका पढ़ रहे हो, और भी आप परीक्षा है, न्याय दीपिका है, प्रमेय रत्नमाला है, परीक्षा में पढ़ रहे हो, तो इसमें इस दृष्टि से पढ़ना कि प्रमाण और प्रमेय में, प्रमाण और प्रमेय, ज्ञेय और ज्ञान, और ज्ञान और प्रमाण में क्या अंतर है, और बहुत अंतर है, ठीक है ना। धन्यवाद भाई प्रासव झांसी के लिए, जिन्होंने हमें संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित प्रमाण का निर्दोष लक्षण बताया। अभी आए भूपेंद्र जैन उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय है परमत सम्मत प्रमाण लक्षण की समीक्षा, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार हैं हरीश जैन, जिनका विषय प्रमाण का प्रामाण्य। अभी आए भूपेंद्र जैन। नमस्कार,
बिंजानंते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय और सभा में उपस्थित सभी सिद्धिराजों को मेरा सादर जय जनेन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है जैन न्यायिक परिशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है परमसम्मत प्रमाण लक्षण समीक्षा। आज हम देखते हैं कि इस जगत में अलग अलग मत हुए, अलग अलग धर्म हुए और सभी ने अपनी अलग अलग मान्यता मानी, अलग अलग प्रमाण माने, जो आज भी वे मानते आ रहे हैं, किंतु वह प्रमाण प्रमाण नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि वह प्रमाण प्रमाण नहीं है, तो आखिर प्रमाण है क्या? अगर हम देखते हैं तो प्रमाण क्या है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सम्यक ज्ञानम ही प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान प्रमाण है, जो प्रमाण को प्रमाण भिन्न पदार्थों से व्यावत कराता है, ऐसा ज्ञान प्रमाण है। लेकिन अब हम कहें कि आपको तो परमत का खंडन करना है, तो अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि न्यायिक क्या मानते हैं। तो न्यायिक मानते हैं, उनका प्रमाण है कि प्रमा प्रतिकरणत्वम लक्षणम, ये उनका प्रमाण का लक्षण है, अर्थात प्रमा के प्रति जो करण है वह प्रमाण है। यह एक प्रकार से और कह सकते हैं कि जो प्रमा का साधन हो और प्रमा का आश्रय भी हो वह प्रमाण है, लेकिन यह निर्दोष, ये सदोष है, ये निर्दोष नहीं है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि प्रमा का कारण भी हो और प्रमा का आश्रय भी हो वह प्रमाण कैसे हो सकता है। अर्थात यहाँ भी हम पूर्णता कह सकते हैं कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, उनका ये मानना ठीक नहीं है। अब हम वैशेषिक को देखते हैं कि वैशेषिक क्या मानते हैं प्रमाण। तो वैशेषिक सन्निकर्षम प्रमाणम, अर्थात वे सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं कि जब पदार्थ का इंद्रियों के साथ संबंध होता है तब सन्निकर्ष, उसे सन्निकर्ष कहते हैं। अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होना, इंद्रियां तो अचेतन है, तो पदार्थ का ज्ञान, अचेतन पदार्थ का ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। इसके मुख्य कारण है कि पहली बात तो इंद्रियां जो होती हैं वे अज्ञान रूप है और अचेतन रूप है। अगर हम सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं तो वह प्रमाण अचेतन होगा। इसमें दूसरा कारण ये भी है कि सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर संशय आदि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि संशय आदि वहाँ भी पाया जाता है। और तीसरा कारण ये भी है कि सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर कोई भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थ में सन्निकर्ष पाया जाता है और सन्निकर्ष जहाँ पाया जाए वहाँ सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सांख्य काय को प्रमाण मानते हैं कि इंद्रियावत्ती ही प्रमाणम, सांख्य इंद्रियावत्ती को प्रमाण मानते हैं। इंद्रियावत्ती अर्थात इंद्रियों के व्यापार को, इंद्रियां तो अचेतन है और अचेतन पदार्थ का ज्ञान वह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अचेतन ज्ञान होता है वह प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पूर्णतः सिद्ध कर सकते हैं कि सम्यक ज्ञानी प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञान यहाँ प्रमाण है, ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। हम बौद्ध को देखते हैं जो ज्ञान को तो प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन कौन से ज्ञान को, कि निर्विकल्पम ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जो ज्ञान निर्विकल्प है, विकल्प से रहित है, वह प्रमाण है। अब हमें जिस विषय में विकल्प ही नहीं उठेंगे तो हमें सम्यक ज्ञान कैसे होगा, तो इसलिए समारूप का निराकरण भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर भी हम पूर्णतः सिद्ध कर सकते हैं कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। हम यहाँ देखते हैं कि मीमांसक क्या मानते हैं। मीमांसक मानते हैं ज्ञात्र व्यापारमी प्रमाणम, ज्ञात्र अर्थात आत्मा, आत्मा का ज्ञानी प्रमाण है, अर्थात आत्मा तो चेतन रूप है और चेतन वस्तु का व्यापार नहीं होता, और चेतन वस्तु का व्यापार नहीं होता अर्थात वह प्रमाण नहीं हो सकता। हम संपूर्ण कथन का निष्कर्ष देखें तो एक ही है कि जो स्वपर परिस्थिति में साधकतम हो, ऐसा ऐसा अज्ञान विरोधी ज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश कराने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। अर्थात आचार्य माणिक नंदी परीक्षा मुख में सूत्र देते हुए कहते हैं कि हितहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, अर्थात हित की प्राप्ति कराने वाला और अहित का परिहार करने वाला, ऐसा ज्ञान प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञानी प्रमाण है। जय जय। ये प्रमाण की
जो ये इलेक्शन है इसमें वैशेषिक मत का जो सन्निकर्ष प्रमाण है, पहले प्रमा और प्रमाण कि किसको तो प्रमाण कहना, किसको तो प्रमाण कहना और किसको तो प्रमा करना है। मत एक मैं साधारण उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने को ये पता लगा कि साधारण मतलब हमको समयसार ग्रंथ कहाँ मिलता है, हमको समयसार, मुझे समयसार ग्रंथ चाहिए प्राप्त करना है, तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि टोडरमल स्मारक में मिलता है। तो ये टोडरमल स्मारक में मिलता है एक, ये जो है ना ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। और फिर मैं स्मारक में गया और वहाँ पर जो बुक स्टॉल में पूछा तो यहाँ समयसार मिलता है, तो वो भी प्रमाण है। मतलब उस स्मारक में जो समयसार मिलता है, ग्रंथ उपलब्ध है, मिलता है, ये मैं जो निष्कर्ष में पहुँचा हूँ वो उस निष्कर्ष में पहुँचने में कौन सा ज्ञान सहायक है, मेरे को किसी ने कहा था कि वहाँ समयसार मिलता है, तो वो भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। और प्रमाण के बाद वो फिर प्रमा हो जाता है, वो प्रमाण के बाद वो होता है प्रमा होता है। जरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और नया क्या मानते हैं ज्ञान का, देखो भारतीय दर्शन में कुछ नया, ये वैशेषिक जो लोग है, नया एक वैशेषिक जो है और सांख्य लोग है, ये आत्मा को भिन्न, ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानते हैं, भिन्न मानते हैं। मतलब जैसे हम घटपट को भिन्न मानते हैं ना, मतलब ऐसा भिन्न अलग ही वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है, उनका संबंध हो जाता है समवाय से, समवाय से संबंध हो जाता है तब ज्ञान हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, कठिन कठिन मतलब प्रक्रिया, बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए जो कहने का मतलब है, अपने को कोई ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान होता है उसके पहले, उसके अनंतर पूर्व में कौन सी स्थिति बनती है उसको कारण माना है। ज्ञान होने के अनंतर पूर्व स्थिति में कौन सी स्थिति बनती है उसको माना है। अनंतर पूर्व स्थिति में उनका क्या है कि इंद्रियों का, वस्तु का जो संयोग बनता है, जो योग बनता है, वो उसके बाद ही ज्ञान होता है। तो योग होना ही प्रमाण है, प्रमाण करण रूप होता है, जानक साधन रूप होता है प्रमाण, और प्रमाण साधन रूप नहीं होता है, वो भाव रूप होता है। ठीक है, धन्यवाद भाई भूपेंद्र को। और अब आ रहे हैं उपाध्याय वरिष्ठ से ही हरीश जैन, जिनका विषय है प्रमाण का प्रामाण्य। और आगे तैयार रहे सहज जैन, जिनका विषय है प्रमाण की भेद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में बैठे सभी साधारण बंधुओं को मेरा शुद्धात बंधन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है प्रमाण का प्रामाण्य, अर्थात प्रमाण की प्रमाणता। तो इस प्रमाण की प्रमाणता को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रमाण को समझते हैं कि सौ पूर्वाद व्यवसायत्वम ज्ञानम प्रमाणम। सौ अर्थात अपने आप के, और अपूर्वार्थ जिसे किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाए, ऐसे पदार्थ के निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमेय रत्नमाला में प्रमाण की दूसरी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा प्रकार से अर्थात संशय विपर्य और अनद्वसाय के विवच्छेद से वस्तु तत्व को जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मूल आधार तो ज्ञान ही है, इसलिए प्रमाण के साथ ज्ञान को रखा है। सौ पूर्वाद व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, इस सूत्र का हर शब्द सार्थक व परमत का खंडन करने में समर्थ है। ज्ञान शब्द न्याय का सन्निकर्ष व वैशेषिक का कारक साकल्यवाद का खंडन करता है। व्यवसायत्मक शब्द बौद्धों के निर्विकल्पवाद का खंडन करता है। अर्थपद विज्ञान द्वैतवाद व चित्राद्वैतवाद का खंडन करता है। और अपूर्व पद धारावाहिक ज्ञान का खंडन करता है। और जो स्वपद है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक तथा अन्य ज्ञान से ग्राहक मानने वाले मीमांसक तथा वैशेषिक तथा न्याय का सन्निकर्षवाद का खंडन करता है। इसलिए यह सूत्र स्वतः सक्षम सिद्ध होता है। अब हम समझते हैं कि प्रमाण का प्रामाण्य क्या है।
तो जाने हुए विषय में व्यविचार करना होना ही प्रामाण्य है। जैसे ज्ञान ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकार से सिद्ध ना हो, और यही उस ज्ञान का प्रामाण्य है। इसके होने से ही ज्ञान प्रमाण कहलाता है और इसके ना होने से ही ज्ञान अप्रमाण कहलाता है। अब हम समझते हैं कि प्रामाण्य का निश्चय कैसे हो, तो तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। प्रामाण्य का निश्चय स्व से एवं पर से होता है, अभ्यस्त विषय में स्वतः और अनभ्यस्त विषय में परतः होता है। तात्पर्य है कि परिचित अवस्था में स्वतः, अपरिचित अवस्था में परतः होता है। ज्ञान का निश्चय कराने वाले कारणों द्वारा प्रामाण्य का निश्चय होना ही स्वतः है और उससे भिन्न कारणों से होना ही पड़ता है। तो इस और अनपरिचित अवस्था को अभ्यास दशा कहते हैं, अपरिचित अवस्था को अनभ्यास दशा कहते हैं। इस स्वतः परता इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे परिचित ग्राम अधिक में जाने अपने गांव में जलाशय, नदी, बावड़ी इत्यादि से हम परिचित हैं, जो हमें जल ज्ञान हुआ उसकी प्रमाणता स्वतः सिद्ध होती है। लेकिन किसी अन्य ग्रामाधिक में जाने पर वहाँ हमें जो जल ज्ञान होता है उसका जो ज्ञान होता है उसकी प्रमाणता पर से होती है, क्योंकि अनभ्यास दशा में उसकी प्रमाणता परता होती है। प्रमाण और प्रामाण्य ये दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं और भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। जैसे घट और वस्त्र ये भिन्न भिन्न है, और सोवे मिट्टी और सूत्र इन भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ प्रमाणता की उपलब्धि परता की अपेक्षा रखती है, था प्रमाणता परता उत्पन्न होती है। बौद्ध प्रमाण की प्रमाणता स्वतः मानते हैं, न्यायिक प्रमाण की प्रमाणता परता मानते हैं, मीमांसक उत्पत्ति व ज्ञप्ति दोनों अवस्थाओं में प्रमाणता स्वतः व अप्रमाणता परता मानते हैं, और सांख्य प्रमाणता परता अप्रमाणता स्वतः मानते हैं। इन सब बातों का आचार्यों ने भली प्रकार से निराकरण व दोषापादन करते हुए सूत्रोक्त बात को साप्रमाण सिद्ध किया है कि प्रमाण की प्रमाणता परिचित अवस्था में स्वतः व अपरिचित अवस्था में परता होती है। इसी मंगल इस हम भी इस प्रमाण की प्रमाणता को समझे, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये प्रमाण की प्रामाण्य जो विषय है ना, ये पूरा न्याय का नहीं, दर्शन का एपिसेंटर है, मतलब गुरुत्व केंद्र या भूकंप का केंद्र, प्रमाण और प्रामाण्य। और इसका सरलीकरण यही है कि हम जो जानते हैं और जो ज्ञेय है, तो क्या गारंटी है कि वो ज्ञेय है? जैसे मैं आपको भी उदाहरण देता हूँ कि हम जो संगोष्ठी कर रहे हैं, हम स्वप्न में हकीकत में नहीं कर, स्वप्न में कर रहे हैं। अब इसको कौन खंडन कर सकता है? और हम 100 साल तक भी इस पर डिस्कस करेंगे, हो जाएगा क्या? मतलब समझिए मेरी बात, हम जो यहाँ संगोष्ठी कर रहे हैं, हम संगोष्ठी नहीं कर रहे, हम स्वप्न में कर रहे हैं। अब स्वप्न में कर रहे हैं संगोष्ठी, वास्तव में संगोष्ठी नहीं हो रही है। अब इस बात को हम खंडन कर सकते हैं क्या? खंडन तो कर सकते हैं, खंडन करने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे खंडन करेंगे? क्योंकि स्वप्न में भी खंडन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान वस्तु तक तो पहुँचता नहीं है, न तो वस्तु को छूता है। ज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में रहता है, ज्ञान अपने क्षेत्र में, जय अपने क्षेत्र में रहते हैं। भले तादात में हो कोई दिक्कत नहीं, एक क्षेत्र हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये समस्या आती है कि वो उनको जानता, इसकी गारंटी क्या है? इसी प्रॉब्लम को लेकर के बौद्धों ने जो वस्तु का निराशन करते हैं, अद्वैतवादियों ने निराशन करते हैं वस्तु का, जो वस्तु है ही ऐसा नहीं मानते, वस्तु है ही नहीं, घटपट नहीं, सिर्फ ज्ञान को हम देख रहे हैं। और हम भी एक कहते, जैन भी एक कहते, हम ज्ञान को देख रहे हैं। केवल ज्ञानी जो है वो अपना केवल ज्ञान को देख रहा है, मतलब हम ज्ञान रूप जो घट को देख रहे हैं। आपके राजवार्तिक पढ़ा होता है, आपको पता है वो
प्रमाण का स्वतः क्या परतः क्या है आया ना उसमें, प्रमाण का स्व क्या है पर क्या है, ये प्रमाण निर्दिगम अकलन देव ने बहुत अच्छा सुंदर चर्चा किया है। इतनी सुंदर चर्चा भारतीय दर्शन में कहीं भी देखने को ही नहीं मिला है। बहुत वो 10 पॉइंट उन्होंने दिया है, आप राजवार्तिक पढ़े होंगे आप लोग तो, है ना, कोर्स में ही ना वो, हाँ प्रमाण नहीं अधिगम है इसमें उन्होंने किया, आप नहीं होता पढ़ लेना आप, 10 पॉइंट उन्होंने दिया है कि कहने का मतलब ये है ज्ञान का पहुंच यहीं तक नहीं है। जब नहीं है तो बहुत लोग यही कहते हैं, जब ज्ञानी है, जब घट है और घट का ज्ञान नहीं है तो घट नहीं होने के बराबर है, और घट का ज्ञान है तो घट नहीं है तब भी घट का ज्ञान घट होने के बराबर है। तो ये प्रमाण और प्रमाण बहुत, ये भी बहुत, देखो न्याय का ऐसा है कि न्याय का सभी क्लिष्ट विषय है, न्याय का विषय हर एक चीज क्लिष्ट है, और उसको आप ठीक है आप तो अभी आपका प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज होने के कारण उसमें आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है और अध्ययन भी करना चाहिए। इसमें लास्ट में उन्होंने ये कहा कि इसमें भारतीय दर्शन में इसमें बहुत तर्क वितर्क बहुत हुआ है, इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इसमें इसमें हुआ है। अब उसमें लास्ट में बौद्ध लोग ये कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कहो, कितने भी तर्क दे दो आप, ज्ञान नॉलेज डजंट जंप आउट ऑफ द सर्कल, अपनी ज्ञान अपनी परिधि से बाहर कूद के तो जाता नहीं है। ऐसे वेस्टर्न फिलोसफी में प्रॉब्लम आई, इंडियन फिलोसफी में प्रॉब्लम आई, तो मत मतांतर जो ज़्यादा होते हैं ना इसी प्रमाण और प्रमाण के इसी में ही ज़्यादा होते हैं। ज्ञान जानता या नहीं जानता है, जानता है तो ये जानता है घट को जाना है, तो वास्तव में घट है या नहीं है इसकी क्या गारंटी, क्योंकि अब आप जानते हो स्वप्न में है भ्रम हो जाता है, कई प्रकार के उदाहरण वो देते हैं। तो उनका भी कहने का मतलब है जो अद्वैतवादी है, जो शून्यकांतवादी है, और बौद्धों के और एक पक्ष है जो योगाचार है, ये जो तर्क इतने तर्क उनके मजबूत है, इतने तर्क मजबूत है, इसलिए आगम प्रमाण को भी मानना पड़ता है, बिना आगम प्रमाण के हम सत्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। कोरी तर्क करते रहेंगे तो कहाँ तक निर्णय कर पाएंगे, वस्तु का निर्णय नहीं कर पाएंगे, आगम प्रमाण का भी करना पड़ेगा। लेकिन वो आगम प्रमाण में भी उनका ऐसा ही है कि नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान है। एक ने कहा कि उनने कहा कि हम सब स्वप्न देख रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। तो उनसे पूछा कि सब स्वप्न देख रहे हैं ऐसा तुमको कैसे पता कि हम सभी स्वप्न देख रहे हैं, तो उसने इसका जवाब दे दिया, मैं एक ऐसा भी स्वप्न देख रहा हूँ कि सभी लोग स्वप्न देख रहे हैं, तो इसका कहाँ खंडन करते जाओगे। ये इस प्रकार का विषय है कि प्रमाण और प्रमाण बहुत सूक्ष्म से है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप अध्ययन को इस दृष्टि से अध्ययन करना उनको, हाँ नहीं आए तो पूछ लेना चर्चा करना, ठीक है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय के लिए। अब आए सहज जैन जिनका विषय है प्रमाण के भेद, और आगे तैयार रहें लक्षित जैन प्रत्यक्ष का स्वरूप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है जैन न्यायिक परिशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है प्रमाण के भेद। तो जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हमने प्रमाण का स्वरूप समझा कि यथार्थ ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, तो अभी हमने प्रमाण को समझा, तो यह प्रमाण जीवों में भिन्न भिन्न रूप से समझा जाता है। जैसे कि अब हम इसके प्रमाण के भेदों पर जाते हैं, तो परीक्षा मुख जी ग्रंथ में आचार्य माणिक्य नंदी जी लिखते हैं कि तद्वेदा, अर्थात यह प्रमाण के दो भेद बताए गए हैं। प्रमाण के दो भेद कौन कौन से हैं कि प्रत्यक्षेतर भेदात, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये उसके दो भेद बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और उसका इतर परोक्ष। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप एवं उसके भेद समझते हैं, उसके बाद परोक्ष प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप बताते हुए
आचार्य लिखते हैं कि विशदम प्रत्यक्षम, अर्थात विशद ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। अब विशद ज्ञान कैसा, कि जो निर्मल स्वच्छ एवं स्पष्ट ज्ञान जो है, ऐसा विशद ज्ञान उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद बताए गए हैं, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद, पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद बताए गए हैं, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत तो एकमात्र केवल ज्ञान आता है, तथा विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत दो ज्ञान आते हैं, सकल और विकल। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत दो ज्ञान आते हैं, अवधि ज्ञान तथा मनपरे ज्ञान। तो यह तो स्पष्ट ज्ञान होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है ही, तथा साथ ही साथ मतिशुद्ध ज्ञान व्यवहार रूप से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप मानते हैं कि अभी हमने किसी की हत्या होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो हमें न्यायालय में ले जाया गया क्योंकि हम उसके गवाह थे। तो न्यायालय में हमसे प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने इसकी हत्या को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो हम भी यही कहेंगे कि हाँ, हमने इसकी हत्या को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अतः लोक व्यवहार में इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब तथा उसे ही सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इत्यादि 336 भेद इसके बताए गए हैं। ये तो हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों की चर्चा। अब हम बात करते हैं कि परोक्ष प्रमाण का स्वरूप एवं उसके भेदों की चर्चा करेंगे। तो परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बताते हुए आचार्य धर्मभूषण न्याय दीपिका नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि अविशदम प्रत्यक्षम, अर्थात जो विशद नहीं है, ऐसे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, अर्थात जो स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, जो निर्मल ज्ञान नहीं है, उसे ही परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस परोक्ष ज्ञान के पांच भेद बताए गए हैं, जो कि आचार्य माणिक्य नंदी जी अपने ग्रंथ में एक सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान तर्कानुमानागम भेदम, अर्थात स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इस प्रकार से इसके कुछ पांच भेद बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मृति ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो स्मृति का स्वरूप बताते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि वासनोद्बोध हेतु का तदित्याकारा स्मृति, अर्थात धारणा ज्ञान के निमित्त से वस्तु के स्मरण होने को स्मृति कहते हैं। उसके बाद चर्चा आती है, यह तो हुई स्मृति की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप बताते हुए आचार्य लिखते हैं कि दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम, अर्थात वर्तमान में देखे जा रहे पदार्थ एवं पूर्व में देखे गए पदार्थ के स्मरण के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तथा उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके चार भेद मुख्य हैं, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान तथा प्रायोगिक प्रत्यभिज्ञान इत्यादि इसके अनेक भेद हैं। तथा उसके बाद बात करते हैं हम तर्क की, कि तर्क की परिभाषा देते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि परीक्षामुख जी ग्रंथ में उपलम्भानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम मुह, अर्थात अविनाभाव संबंधित पदार्थों का व्याप्ति सहित ज्ञान होना ही तर्क कहलाता है। उसके बाद चर्चा आती है अनुमान की। तो अब अनुमान की परिभाषा देते हुए आचार्य देव कहते हैं कि साधना साध विज्ञानम अनुमानम, अर्थात साधना के द्वारा होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अब इसके दो वेद बताए गए हैं, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। तथा अंतिम चर्चा आती है कि आचार्य माणिक्य नंदी जी इसके संबंध में कहते हैं, अंतिम चर्चा आती है आगम की। तो आगम के संबंध में कहते हैं कि आप्तवचनादि निबंधनम अर्थवत, अर्थात भगवान के वचनों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं। तथा हम भी इन्हीं प्रमाण के भेदों को समझकर मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हों तथा मोक्ष रूपी रमणी को भरें, इसी मंगल भावना के साथ जय जिने। अच्छा, किसी को प्रश्न पूछना हो ना, आप स्लिप भेज दो, एक पर्ची में लिख करके भेज देना। दो तो आए मेरे पास।
मैं लास्ट में बाद में इसका स्पष्ट करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई सहज के लिए जिन्होंने हमें प्रमाण के भीत प्रवेश से अवगत कराया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, यहाँ पर उपाध्याय वर्ग का क्रम समाप्त होता है। अब इससे आगे जो भी वक्ता आएंगे वह शास्त्री वर्ग से होंगे। जैसा कि आप सभी के लिए पूर्व में बताया गया था, मुख्य बिंदु बताने के लिए किसी को भी यहाँ बुलाया जा सकता है। उपाध्याय वर्ग के समग्र मुख्य बिंदु बताने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ उपाध्याय वरिष्ठ से, भाई सजल जैन यहाँ आए और मुख्य बिंदु बताएं। अभी जो उपाध्याय वर्ग में जो उन्होंने मुख्य बिंदु बोले उसमें प्रथम वक्ता के रूप में आए थे अखिल जैन। उनका विषय था न्याय का लक्षण एवं इतिहास। तो उन्होंने बताया था कोई भी चीज़ जानने के लिए सर्वप्रथम इतिहास को जानना आवश्यक है। तो इतिहास के बारे में बता रहे थे कि जैन न्याय में ये जैन न्याय एक इतिहास के रूप में है। फिर वो परीक्षा मुख में सर्वप्रथम जो परीक्षा मुख है उसमें सर्वप्रथम है वो न्याय सूत्र ग्रंथ है जो आचार्य माणिक नंदी ने लिखा गया है। फिर आचार्य माणिक नंदी का उद्देश्य है वो उनका यह है कि मंद बुद्धि वालों को न्याय का न्याय के विषय में सिखाना, सिद्ध अल्पम लगी यसा। फिर न्याय का मूल कारण वस्तु का अधिगम है और न्याय का मुख्य उद्देश्य आत्महित की प्राप्ति है। फिर द्वितीय वक्ता के रूप में थे संभव जैन, जिनका विषय था त्रिविध रूप प्रकरण प्रवृत्ति। तो उन्होंने त्रिविध रूप बताए उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, उन तीनों का स्वरूप बताया। उद्देश्य विवेकतव्य नाम मात्र कथन उद्देश्य। फिर लक्षण का बताया मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को पृथक करना। और परीक्षा का बताया था वृद्ध अनेक कोटि प्रावल दुर्बल अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचारा परीक्षा। फिर वो कह रहे थे कि परीक्षा रहित व्यक्ति को असत्य भी सत्य लगता है, सत्य समझ में आता है। फिर तीसरे वक्ता के रूप में आया था प्रासुक जैन, उसका विषय था प्रमाण का निर्दोष लक्षण। तो उन्होंने प्रमाण के पांच भेदों में स्पष्ट किया कि प्रमाण सौ पूर्वार्थ निश्चय ज्ञान और प्रमाण, ऐसे पांच पद बनाए थे। फिर वो न्यायदीपिका की बात कर रहे थे, न्यायदीपिका में कहा कि सम्यक ज्ञान को यहाँ न्यायदीपिका में प्रमाण कहा है और जो प्रमाण है वह लक्षण है। फिर वो संशय विपर्य अनद्वसाय की बात करते हुए कहते हैं संशय दो वस्तुओं में परस्पर संशय करना यह संशय है, विपर्य की विपरीत मानना और अनद्वसाय कुछ है ऐसा अनिर्णय रहित ज्ञान अनद्वसाय है। फिर चौथे वक्ता के रूप में भूपेंद्र जैन आए, उनका विषय था सम्यक प्रमाण लक्षण समीक्षा। तो उन्होंने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम का कि सम्यक ज्ञानी है वह सच्चा प्रमाण है। और फिर अन्य मतों का उन्होंने खंडन किया था। तो अन्य मत में सर्वप्रथम नैयायिक का खंडन, नैयायिक कैसा मानते हैं प्रमाण, वो बताया कि प्रमाण का साधन आश्रय है वह प्रमाण है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। वैशेषिक मानते हैं कि सन्निकर्ष प्रमाणम, बौद्ध मत निर्विकल्प ज्ञानम प्रमाणम मानते हैं और मीमांसक ज्ञात्र ज्ञातार ही प्रमाणम, ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं। ये चारों का उन्होंने खंडन किया और सम्यक ज्ञान ही वास्तव में प्रमाण है ऐसा उन्होंने बताया। फिर पांचवें वक्ते के रूप में आए थे हरीश जैन, उनका था प्रमाण का प्रमाण, उनका विषय था। तो उन्होंने प्रमाण की प्रमाणता बताई कि जाने हुए विषय में व्यभिचार ना करना ये प्रमाण की प्रमाणता है, इसके होने से प्रमाण सिद्ध कहलाता है और इसके ना होने से प्रमाण असिद्ध कहलाता है। फिर प्रमाण का मूल आधार क्या है बता रहे थे कि प्रमाण का मूल आधार ज्ञान है, इसीलिए प्रमाण को ज्ञान भी कहा गया है। फिर प्रमाण की प्रमाणता बताई कि अभ्यस्त दशा में प्रमाण की प्रमाणता अभ्यस्त दशा में स्वतः और अनभ्यस्त दशा में परता होती है। तो उन्होंने एक गांव का उदाहरण दिया था। फिर छठे वक्ता के रूप में थे सहज जैन, उनका था प्रमाण के वेद, विषय था
तो उन्होंने प्रमाण के दो वेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया उन्होंने विशदम प्रत्यक्षम, फिर उसके दो भेद करे सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। फिर लोक में इंद्रिय और मन से जाना हुआ पदार्थ को प्रत्यक्ष मानते हैं। फिर परोक्ष के रूप बताए उन्होंने, परोक्ष के पांच वेद हैं स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, उनके भी उन्होंने स्वरूप को स्पष्ट किया। इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद भाई सजल के लिए जिन्होंने मुख्य बिंदु बताए। शास्त्री वर्ग से प्रथम वक्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूँ भाई लक्षित जैन, जिनका विषय है प्रत्यक्ष का स्वरूप। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष से शशांक जैन, जिनका विषय है सर्वज्ञ सिद्धि।